मैं जोबट में हूं और यहां पर मौजूद है मेरे साथ नीतेश अलावा, वो पटवारी साहब जो बीते कई महीनों से बहुत चर्चित हैं, उनको लेकर एक यहां पर इसी कैंपस में बड़ा मूवमेंट भी हो चुका है। चर्चा ये थी सोशल मीडिया पर कि वो उपचुनाव को लड़ने जा रहे हैं जोबट के, अब हमारे साथ में हैं, उन्हीं से जानते हैं। नीतेश भाई, सीधा सवाल, क्या आप जोबट विधानसभा उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, पूरा मन बना लिया है। समाज ने आह्वान किया था, युवाओं की मांग थी और समाज में स्वतंत्र विकल्प की तलाश थी, तो हम लोगों ने पूरा मन बना लिया है। हम मैदान में भी आ रहे हैं, बस थोड़ी तकनीकी समस्या सर्विस को लेकर। आप सबने देखा, आपने कल ही आपके एक्सक्लूसिव लाइव में बताया था कि किस तरह से अचानक मेरी विभागीय जाँच शुरू हो गई है, जबकि मेरा मन पूरा हो गया था और मैं इस्तीफा लेके कलेक्ट्रेट में पहुंच गया था। उसी समय मेरे पास एक लेटर आता है कि आपकी विभागीय जांच शुरू हो गई, तो मुझे फिर अपने मार्गदर्शक से ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी पड़ रही है तब से, कि यार हम क्या विभागीय जांच के दौरान क्या स्टेप ले सकते हैं, क्या इस्तीफा दे सकते हो, यदि वो मंजूर होता है कि नहीं होता, इस संबंध में चर्चा कर रहे थे हम लोग। दूसरा सवाल कि अगर आप चुनाव लड़ते हैं, आपको आपका इस्तीफा मंजूर होता है, तो आपकी पार्टी कौन सी होगी या आप निर्दलीय लड़ेंगे? जब समाज बोल रहा है कि हमको दोनों पार्टियां नहीं चाहिए, जो भारत के आज़ाद होने के बाद से, जब से संविधान लागू हुआ तब से वो दोनों पार्टियां ही राज करते आई है, और समाज का नेतृत्व करने के बाद भी समाज की बुनियादी समस्याएं यथावत बनी है। इसका मतलब असंतुष्ट है आदिवासी समाज को, आज स्वतंत्र विकल्प चाहिए, या तो हम निर्दलीय लड़ेंगे या BTP से लड़ेंगे, भारतीय ट्राइबल पार्टी, जिसके हमारे पास ऑलरेडी राजस्थान गुजरात में विधायक है। अब सवाल ये उठता है कि मान लीजिए इस्तीफा आपका स्वीकार नहीं हुआ, तो फिर आप चुनाव कैसे लड़ेंगे? फिर समाज तय करेगा कि मेरे बाद कौन सा चेहरा होना चाहिए, वो समाज चेहरा जरूर होगा, बिल्कुल होना चाहिए। अब JS लड़ेगा, JS कोर कमेटी लड़ेगी या BTP? JS तो स्वतंत्र विचारधारा है, एक वैचारिक क्रांति है, वो कोई रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, संगठन नहीं कह सकते उसे, सिर्फ विचारधारा है। वो भगत सिंह की विचारधारा को भी फॉलो करती है, राणा पुंजा भील को भी करती, टंट्या भील को भी करती, बिरसा मुंडा को भी करती, जो भी उनको सही लगता है वो सारी विचारधारा को फॉलो करती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कांग्रेस BJP की हो गई है, स्वतंत्र है, युवा समझदार हो गया है, तो वो किसी को भी सपोर्ट कर सकते हैं, ये कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। तो अब मान लीजिए आप जाते हैं चुनाव में, इस्तीफा मंजूर हो गया, आप चुनाव में जाते हैं, मुद्दे क्या होंगे, इश्यूज क्या होंगे आपके इस विधानसभा उपचुनाव के लिए? आप हमेशा से आवाज़ उठाते रहे हो, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार, इस आदिवासी समाज की बहुत ही बेसिक बुनियादी आवश्यकता है, और उस पर वर्षों से ट्राइबल विभाग में जो स्पेशल फंड आ रहा है 275 के अंतर्गत, वो आता भी गया है लेकिन वो लैप्स हो जाता है, कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की उदासीनता है, वो इस फंड का सही उपयोग नहीं कर पाते हैं, और कई शासन की अच्छी अच्छी योजना है जिसको ज़मीन पर लागू करना चाहिए, वो अभी तक यथावत बनी हुई है, कुछ नहीं हो पा रहा है। तो इसकी वजह से हम युवा वर्ग के जो मांग है उसके अनुसार काम करने के लिए अब आगे बढ़े हैं। दूसरा, आपने सभी ने देखा है, जब कोरोना आया था, कोरोना काल की जो फर्स्ट लहर थी, उस दौरान जो गुजरात, महाराष्ट्र या देश के किसी भी कोने में जो हमारे आदिवासी भाई मजदूरी करने गए थे, वो किस तरह से आए, हजारों किलोमीटर पैदल आए, कहीं लत के आ रहे हैं, कोई टंगा के आ रहा है, कोई भूखा प्यास आ रहा है, महिलाएं कंधे पे बैग, सिर पे बैग, एक साइड बच्चा टंगा है, कोई ट्रॉली बैग पे बच्चे को घिस के ला रहे हैं, और एक जो हादसा देखा था आपने ट्रेन पे, जिस तरह से ट्रेन की पटरियों पर हमारे मजदूर भूखे प्यासे सोए हुए थे, ट्रेन चढ़ गई थी और वो कट के मारे गए थे, उनके पास में रोटियों के टुकड़े देखे गए थे। तो ऐसी कई दर्दनाक घटनाएं हुई हमारे समाज के साथ में, और आज भी घटनाएं जारी है। आपने देखा है नेमावर में बलात्कार कांड हुआ, एक ही परिवार के 5 सदस्यों को मार के 10-10, 12-12 फीट के गड्ढे में गाड़ दिया जाता है, उस पर यूरिया नमक डाल दिया जाता है। नीमच की घटना आप देख लो, एक हमारे आदिवासी समुदाय के भील को सरेआम घसीट के मारा जाता है, उसकी मृत्यु कर दी जाती, मतलब मारना ही उसको। तो नीतीश अलावा जीतने के लिए चुनाव को लड़ेंगे या किसी को हराने के लिए लड़ेंगे? नहीं, हम जीत या हार के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम समाज की आवाज़ को बुलंद करना चाह रहे हैं, उनके जो बेसिक मुद्दे हैं उसको उस पटल पर ले जाना चाह रहे हैं। हम ये पार्टियों को बताना चाह रहे हैं कि आपके जो सिलेक्टेड जो भी प्रतिनिधि है, जिनको आप टिकट देते हो, वो उस लायक नहीं है, हम यहाँ से टिकट फाइनल करेंगे, अब जनता तय करेगी। यहाँ यदि 97% पॉपुलेशन आदिवासी की है,
97% आदिवासी वोटर है, तो टिकट किसको फाइनल करना चाहिए? आम जनता को करना चाहिए। आपका सर्वे कौन करता हमको तो पता ही नहीं, किसकी किन बेसिक मुद्दों को तय करके आप उनको टिकट फाइनल करते हमको मालूम ही नहीं। तो आपके जो भी जनप्रतिनिधि रहते हैं अभी तक जो विधायक सांसद बनकर आए हैं, उनका युवा तो विरोध कर रहे हैं ना, काफ़ी टाइम से आप देख रहे हैं। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, कल परसों भी हुआ था, तो इस तरह से विरोध जता रहे हैं युवा, अपनी अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे। उससे साफ साबित होता है कि पार्टियों के आलाकमान द्वारा जिन लोगों को टिकट दिया जा रहा है वो सरासर गलत है। यदि आपको टिकट ही देना है तो आम जनता के बीच आइए, उनके बेसिक मुद्दों को जानें, उसके बाद में उन मुद्दों पर काम करें। हमारे साथ मौजूद हैं सपाक्स के भी सचिव हैं, शुभ नाम क्या आपका? सुनील कुमार त्रिवेदी सर। सपाक्स में क्या देखते हैं? मैं प्रदेश सचिव हूं और अलावा जी के समर्थन में आया हूं। अलावा जी की एक दिक्कत है कि इस्तीफा देना है तो इसमें आपने जो क्वेश्चन किया उसको ध्यान से सुना, इस्तीफा देना जरूरी नहीं है। 2014 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी कि तो रेणु गोपालन जी की बेंच ने केंद्र से जवाब मांगा था, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया है, फैसला लंबित है, परंतु संविधान की धारा 1918 ये कहती है कि कोई सरकारी कर्मचारी अनुशासित होता है, वो प्रोफेसर और उन कर्मचारियों को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाना चाहिए, तो ये स्पष्ट कहा गया है। और इस तरह से ये निकलता है कि अलावा जी यदि इस्तीफा नहीं भी देते हैं तो चुनाव लड़ सकते हैं। प्रशासन और जानबूझ के इनके ऊपर कल ईडी का आर्डर कर दिया, मानसिक दबाव बना रहा है। और बीजेपी कांग्रेस ने हमेशा आदिवासी और गरीब लोगों का शोषण किया है, आज भी जो टिकट दिए जा रहे हैं सक्षम लोगों को दिए जा रहे हैं, वो तो हो गए हैं। हम चाहते हैं कि एक ना गरीब व्यक्ति समाज का नेतृत्व करे और उस समाज को आगे ले जाए, समाज का जो संघर्ष है, समाज की जो बेरोजगारी की समस्याएं हैं, खाने पीने की समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, तो उन लोगों का आगे वो रखे। इसलिए हमें ना अलावा जी के पूरे समर्थन में आए हैं। हमारी जो पार्टी है बुद्धिजीवी वर्ग की बनाई हुई है, वो सिर्फ गरीब वर्गों के लिए लड़ना चाहती है, और वो भ्रम ये फैला रहे हैं बीजेपी कांग्रेस वाले कि ये इनकी पार्टी है, ये अलग लोग हैं। नहीं, हम लोग सिर्फ गरीबों के लिए लड़ना चाहते हैं, और जो व्यक्ति एक बार सक्षम हो चुका है वो ऑलरेडी सामान्य हो गया है, पर जो गरीब व्यक्ति है वो तो बिल्कुल निचले स्तर में है ना, तो हमारा अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। इसलिए हमारे अलावा जी और इनकी जो भी जैस की विचारधारा है, जो भगत सिंह मानती है, हमारी विचारधारा से पूरी मेल खाती है, और अलावा जी का हम लोग पार्टी सहित पूरा समर्थन करते हैं तन मन धन से, और ये चुनाव लड़ेंगे तो हम पूरे दमखम के साथ इनको उतारेंगे। तो आपने देखा नीतीश अलावा जी को भी सुना, और सपाक्स यहाँ पर उनके साथ में खड़ी दिखाई दे रही है, न सिर्फ कानूनी मदद के लिए तैयार है बल्कि चुनाव में उनके साथ कदम ताल करने को भी तैयार है। इस इंटरव्यू पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।